उसने लेजर लाइट के मजे ले लिया। दोबारा करके दिखा, बिजनेस देखा उसमें आपने, अच्छा सोचा। स्टोरी थोड़ी सी, ये बहुत दिन से देख रहे हैं हमारे बच्चे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी से सुबह तो नहीं कह सकते, बज रहे हैं 1, और आपको रात को बहुत ज़्यादा लेट सोया था। रात को 1 बजे मैं बाहर ही था। आपको स्टोरी पूरी समझाऊँगा, काम गए थे, क्या करने गए थे, कभी वहाँ पर चले गए दूसरे घर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 1 बजे तो मैं ऊपर हो जाता हूँ काम से। टोपी पहन के गेम खेल रहा है घर में। स्टोरी थोड़ी सी लंबी है ना, मैं आपको बताने इसलिए मैं आपको बताया जा रहा हूँ, बैठ के बताएंगे आपको अच्छी तरह क्या है क्या नहीं हुआ। चलो चलते ही हैं वहीं पर, और वहीं पर आपको एक स्टोरी बतानी है, मतलब एक स्टोरी सी आपको बतानी है जो कल रात को लेट सोने की वजह। तो हुआ क्या ना, मेरा भाई है जो तनिष्क, उसने एक फॉर्म फिल किया था एडमिशन के लिए किसी वेबसाइट पे, तो उसने नहीं किया बेसिकली, एक कंप्यूटर वाला था उससे वो फॉर्म फिल करवाया हमने। तो उस फॉर्म में उसने फर्स्टली गलत फिल कर दिया कंप्यूटर वाले ने, जो लास्ट का प्रोसेस कंफर्म करना होता है वो उसने किया ही नहीं, और हमें बोल दिया कंफर्म हो गया। तो घर आके लक्ष्य भैया ने वेबसाइट खोली, तो इसका सब कुछ नंबर वगैरह डाला, नाम डाला, तो उस वेबसाइट पे लास्ट की कंफर्मेशन हुई ही नहीं थी, इसका एडमिशन हुआ ही नहीं था काफ़ी दिन तक। फिर भैया ने यहाँ से एडमिशन किया इसका, उसके बाद वहाँ पर उससे हुआ नहीं, हमने फिर भी उसको कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं जाने दो। तो उसके बाद हम गए थे नया, आई थिंक 1 महीने के बाद हम गए थे। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर हमने उसको, 1 महीने नहीं यार ज़्यादा ही हो गए, 6 महीने आई थिंक, 6 महीने, हाँ 1 महीना कम होगा। 1 महीने के बाद तो हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए गए थे कि हमने किया है और आपसे ये हुआ नहीं। तो 6 महीने के बाद हम दोबारा गए, वो उसके बाद एक फ़ीस और लगती है, हमने वो उसको फ़ीस दे दी। उसके बाद भी 15 अगस्त को हमने उसको फ़ीस दे दी थी, उसने फिर वो फ़ीस भरने की भी ट्राई किया। फिर हमने घर पर वेबसाइट खोली, घर पर वेबसाइट पर एरर आ रहा था, हमारे पास प्रूफ भी था उसका, एरर हम क्लिक करके ले गए फ़ोटो कि उस पर भी एरर आ रहा था कि वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी, कि उसकी फ़ीस की डेट भी जा चुकी थी। उसके बाद फिर चाचू उसके पास गए, चाचू ने उसको बोला हे भाई, ये बहुत दिन से देख रहे हैं हमारे बच्चे का, साल ऑलमोस्ट साल निकलने वाला है, आप देख चुके हो कुछ भी नहीं, उसका एडमिशन अभी तक उसको फ़ीस भी नहीं भरी गई है फॉर्म, तो उसने भरी नहीं जा रही क्योंकि उससे उसको, मुझे लग रहा है उसको कमिंग नहीं आता, पता नहीं क्यों, कंप्यूटर की दुकान खोली हुई है उसने। तो देन चाचू ने उसको बोला कि अगर एक वो चीज़ होती है पेपर ऑन डिमांड टाइप, तो उन्होंने उनको बोला कि तू ये कर दे वरना हम तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो बस इतनी सी बात हुई। तो हम रात को आई थिंक 12:30 के करीब हम बैठे हुए थे सारे, तो चाचू को एक फ़ोन आता है यहीं से नॉर्मल पुलिस स्टेशन से नारायणा के, तो वो बंदा जो कंप्यूटर वाला था वो हमारे से पहले वहाँ जाके बैठा, हम उसकी कंप्लेन करने भी नहीं वाले थे क्योंकि वो वैसे से थोड़ा सा गरीब वगैरह लग रहा था हम बहुत। तो हमने कहा नहीं यार चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, हम क्या कर सकते हैं यार। चाचू उसके घर गए थे, पता नहीं कैसे कैसे बोल रहे थे, नहीं मैं मुझे नहीं लगा, बट फिर हुआ क्या ना, तो हम पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, चाचू को मैं गया, अमन भैया गए, तनिष गया, चाची गई, तो हम सारे स्टेशन गए। तो वहाँ पर सारी बातचीत हुई इस बारे में क्या है क्या नहीं है, गलती उसकी थी, हमारे पास तो सारे प्रूफ थे, उन्होंने दिखाया वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसको काफ़ी बोला कि ये बहुत गलत बात है, पैसों की बिल्कुल बात नहीं है, बच्चे का साल वेस्ट हो गया, एक जो पूरा साल निकल जाता है यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने भी उसको बोला। फिर उसने हमसे सॉरी वगैरह मांगी, कंप्यूटर वाले चाचू ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, उस बेचारे को भी हम कुछ कह नहीं सकते थे। बस यही था थोड़ा, जो भी आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं लोग बाहर, जो साइबर कैफ़े में लोग क्यों जाते हैं कैफ़े वगैरह में, तक जिनको लोगों को काम नहीं आता वो घर में नहीं, हम भी खुद वेबसाइट इसलिए नहीं खोल के कर रहे थे, बल्कि हमको आता था कि कोई रिस्क ना हो, हमारे से कुछ गलती ना हो जाए, हमने इसलिए कैफ़े वाले के पास गए। अगर आपको कोई काम नहीं आता है, आप कैफ़े में बैठे हैं, तो प्लीज़ आप मना कर दें कि आपको ये काम नहीं आता है, करने की रिस्क लेके कि आप भी
सीख के फिर वो चीज़ फिल करेंगे, तो ऐसे किसी और बच्चे को दिक्कत हो सकती है, किसी और के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस मेरा थोड़ा यही एजेंडा है कि आप ऐसा ना करें। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एक दो महीने बचे, अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक दो जगह फ़ोन करेंगे, चाचू भी इसका एडमिशन हम कराने की कोशिश करेंगे। बाकी आप थोड़ा जो कैफे में बैठे ध्यान दें, बाकी तो सब ठीक है ना। तो ये थी छोटी स्टोरी जो मुझे आपको बतानी थी, मुझे लगा आप सबको भी बतानी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसे हो जाता है जो लोग नहीं कर पाते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें आप भी, और हम भी रख रहे हैं, हम भी इसके लिए कोशिश करेंगे। अभी मैं बात बात करूँगा, अभी चाचू सो रहे हैं क्योंकि उनकी रात को नाइट ड्यूटी भी है, और इससे पहले वो डे करके आए थे जब वो रात को गए हम कल। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोई नहीं, पर फिर भी आप जो है पॉजिटिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में होती रहती हैं, आती रहती हैं, सबके लाइफ में आती हैं, मेरे ही नहीं आपके में भी। तो बस यही है, पॉजिटिव रहें। बहुत ज्ञान दे दिया ना आज के लिए, इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा नहीं देते। तो अभी जस्ट वीडियो देख रहा हूँ एक, मतलब अपने जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मतलब समझने के लिए, जैसे लोग कई बार क्या करते हैं ना कि मतलब जो पहले एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक आपको स्विमिंग नहीं आती, फिर भी एक आप किसी बंदे को बड़े अच्छे गहरे पानी में स्विमिंग करता हुआ देख रहे हो और सीधे जाके कूद गए, ठीक है, तो क्या होगा आपका थिंक, क्या होगा? साफ सीधी बात है, डूब जाएगा, मर जाएगा, और क्या होगा? या तो किसी ने देख लिया शायद, तो बचा लेगा, किस्मत होगी, वरना मर जाएगा। तो जो बंदा वहाँ पे गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है, उसने वहाँ पर गहरे पानी में स्विमिंग कैसे करी, मतलब उसके अंदर ये डिज़ायर कैसे आया? उसने पहले कहीं पे स्विमिंग सीखी है ना, पहले किसी छोटे मतलब स्विमिंग पूल में जाकर छोटी जगह पर पहले वहाँ पे स्टार्ट करी, वहाँ पर सीखा, उसके बाद उस गहरे पानी में उतरने का कोशिश होती है। तो आप सोचोगे कि आप नहीं, नहीं ऐसी बिजनेस से रिलेट करते हैं इस चीज़ को, जैसे कि आपने एक बिज़नेस देखा, उसमें आपने अच्छा सोचा कि आइडिया अच्छा है, जगह अच्छी है, सिचुएशन अच्छी है, और लगा दिया सीधा 10-15 लाख रुपए। बल्कि आपने सोच देखा नहीं कि आपने पहले कभी किसी कहीं का एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपने कुछ देखा नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता है बिज़नेस के बारे में, कैसे प्रोडक्ट बिकेगा, कैसे प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन सीधा 10-15 लाख रुपए लगा दिए और वहाँ पर हो गए आप फेल। फिर आप किसी और तीसरे बंदे से जाके बैठ के पूछ रहे हैं कि हमने सब देखा, सिचुएशन अच्छी थी, जगह अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मैं फेल हो गया। तो मुझसे ऐसा कोई बंदा पूछेगा तो मैं उससे क्या पूछूंगा? लेकिन आप कुछ मेरे से पूछे तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप लाइक आपने बिज़नेस कहाँ से सीखा, आपने मुझे सारी सिचुएशन बताई कि हमने लोन लिया, ये लिया, वो लिया। तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होगा कि आपने बिज़नेस कहाँ सीखा। जैसे स्विमिंग वाला एग्जांपल दिया ना मैंने कि स्विमिंग पहले छोटे में सीखी, उसके बाद बड़े में उतरने की हिम्मत आती है, तो आपने बिज़नेस कहाँ से सीखा? नहीं होगा ना जवाब, इसका जवाब मिल जाए कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई ये बड़े भैया भी आ गए, ये दोबारा करके दिखा। हाँ, ये वहाँ से कहीं से उठा के लाए हैं, पता नहीं किसका लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दूर दूर तक बढ़िया मौसम, और वहाँ दिखता हुआ इंडियन फ्लैग, क्या ही अच्छा लग रहा है, और हवा चल रही है, आपको पता ही चल रहा होगा उसको देख के, एक नंबर का मौसम हो रहा है, क्या ही मौसम। और ये इसका नया गैजेट आ चुका है, थोड़े दिन इसने लेज़र लाइट के मज़े ले लिए, अब ये इसके खेलता रहेगा। स्कूल स्टार्ट होते ही सिर्फ यही होता है सबका, गेम वेम या ये सब, इसके स्कूल स्टार्ट हो गए ना, मेरे दिल का दर्द समझ पा रहे तुम? डेली स्कूल जाता है, ड्रेस पहनता है, और मैं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कल है मेरा फाइनल, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, कल मैं आपको बता ही दूंगा शाम तक जब भी मेरा कुछ होगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं भी रुका ही हूँ, पेशेंस दिखा रहा हूँ, किसी तरह जल्दी से वो मेरा काम हो जाए, देखते हैं। और मौसम तो भाई बहुत ही बढ़िया, देखो बादल, देखो यहाँ के क्या ही प्यारे लग रहे हैं यार, एक नंबर। हमारे घर क्या ही प्यारा फूल आया है, अरे टच नहीं करता हूँ, कभी टूट टूट जाए मुरझा जाए, देखो ऐसे ही देख लो, देख रहे हो कितना ही प्यारा लग रहा है, फोटो क्लिक कर। और ओ भाई चीटी, वो हटा इसको, और यहाँ पर भी दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे प्यारे, देखो हो क्या ही, ये है नेचर।
समझे। आप सबको भी अपने घरों में तो जितने भी हो सके पेड़ पौधे सब लगाने चाहिए। देख लो कितने ही सारे हैं, और भी थे वहाँ पर, वो वाले पता नहीं शायद हमने नीचे भी हैं यार। हाँ वहाँ पर भी थे लाइन में उस जगह पर, बट वहाँ से चले गए। अब हमने सीधी यहाँ पर एक लाइन बना दी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वहाँ तक, पर जब कोने तक पौधे पौधे सारे, एलोवेरा भी है सारे, ये रही एलोवेरा के भी दो दो हैं ये रे सारे। सामने भी बहुत सारे पौधे हैं। अभी घर के सामने वाले नहीं दिखाता हूँ, जो है ये वाले ठीक है, ये अच्छे हैं जो हमने घर में करे हैं खुद। और इन पौधों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है दादी, सच बता रहा हूँ। इतना मैं भी नहीं ध्यान रख पाता, कोई भी नहीं रख पाता, सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है दादी। वो टाइम टू टाइम आती है, भले किसी को लेके आएगी साथ, क्योंकि वो उठा नहीं पाते ना वो पानी के लिए, तो आर्यन आए या तनिष्क आए कोई भी आए, लेकिन दादी बहुत ध्यान रखती है। सुबह शाम प्रॉपर पानी सब सब चीज़ का ध्यान अच्छी तरह रखती है, कटिंग वटिंग जो भी है सब दादी देखती है। देख रहे हो इसलिए इतने प्यारे लग रहे हैं, तो सारा क्रेडिट आता है दादी को। तो दादी इतने दिन यहाँ नहीं थी ना फिर भी, लेकिन हमने भी पीछे से बहुत ध्यान रखा है, चाची और उसकी सब ने, आर्यन ने बहुत ध्यान रखा है जब दादी यहाँ पे नहीं थी, बट अब दादी आ गई है दोबारा। और ये दो खाली हैं, इसमें भी, इसमें बीज लगा दिए, इन दो में भी लगा दिए हैं, इसमें भी थोड़े से लगाए हैं, इसमें एक आ चुका है, इसमें अभी तक कुछ नहीं आया, ये दोनों खाली हैं, और इसमें भी थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, तो कोई बात नहीं धीरे धीरे इसमें भी आ जाएगा, सब भर जाएंगे धीरे धीरे। हम पूरी छत को पेड़ पौधे वाली छत बनाएंगे। बस अब मैं किस दिन सोनीपत जाऊँगा ना, तो सोनीपत में दिखाऊँगा मैं आपको तो पौधे क्या क्या चीज़ होती है वहाँ पर। फ्रूट्स घर में सब्जियाँ उगती हैं मेरी बुआ जी के घर, इतना उन्होंने तो प्रॉपर सब चीज़, वो आपको कभी चलूँगा ना तो मैं आपको अच्छी तरह दिखाऊँगा, वहाँ तो और भी अच्छा है ये सब। पर्दे तो उन्होंने लगा दिए, रील्स वील्स कोई नहीं बनाता, अभी ऐसे ही टंगे रहते हैं। कोई किसी ने बनाई अभी तक यहाँ पे रील्स आके, मुझे तो दिखी नहीं किसी ने रील्स बनाई हो, हम ही बना लेंगे यार। तो यार आर्यन मैं भी रील्स नहीं बना रहा आजकल इंस्टाग्राम पे, थोड़े दिन हो गए हैं तो रील्स वील्स कोई आ नहीं रही है, तो अब रील्स बनाते हैं थोड़ी सी, है ना। तो रील्स भी